अगर आपने भी एक नया आईफोन लिया और आपको पता नहीं कि बैक बटन कहाँ है और इसमें पावर ऑफ कैसे करना है इसे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं सब कुछ कवर करूंगा और आप एक नए आईफोन यूजर से बिल्कुल प्रो आईफोन यूजर बन जाओगे। साथ ही मैं आपको कुछ कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही टाइम सेव कर सकती है एंड बहुत ही कूल है। तो नए आईफोन यूजर की सबसे बड़ी परेशानी इसमें बैक बटन कहाँ है, तो हाँ आईफोन में बैक बटन नहीं होता है, लेकिन एक गेस्चर है जिसका यूज कर सकते हो आप लोग बैक जाने के लिए, जो कि बहुत सारे ऐप्स में काम करता है। तो आप लोग अगर किसी भी ऐप में हो और आपको बैक जाना है, जैसे कि आप व्हाट्सएप में ही हो और आपने किसी के चैट को ओपन किया, तो आपको इस कॉर्नर से स्वाइप राइट करना है एंड यहाँ से बैक हो जाएगा। ऐसे ही सेटिंग के किसी पेज में चले गए, स्वाइप राइट करो और वो बैक हो जाएगा। और ये गेस्चर लगभग हर एक ऐप में काम करता है, सेटिंग में काम करेगा, इंस्टाग्राम में काम करेगा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कहाँ पे बैक होगा और कहाँ पे बैक नहीं होगा। नेक्स्ट है इसको ऑफ करने के लिए, अगर आप लोग पावर बटन को बिल्कुल होल्ड करके रखते हो 10 सेकंड 15 सेकंड फिर भी ये ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये सीडी का शॉर्टकट है। अगर आप लोग पावर होल्ड करके रखते हो तो आपका सीडी एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसे पावर ऑफ करना है तो इसके भी कुछ तरीके है। आपको जाना है सेटिंग में, देन यहाँ से जाना आपको जनरल में, और यहाँ सबसे नीचे आपको शट डाउन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लोग अपने फ़ोन को ऑफ कर सकते हो। आप बोलोगे इतना लंबा प्रोसेस मैं करूँ सिर्फ फ़ोन को ऑफ करने के लिए, नहीं इसका एक शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट ये है कि आपको नोटिफिकेशन को ओपन करना है, इसे हम लोग कंट्रोल सेंटर बोलते हैं आईफोन में, तो आज से कंट्रोल सेंटर बोलना स्टार्ट कर देना। और यहाँ पे ऊपर में ही आपको पावर ऑफ का एक बटन देखने को मिलेगा, इसे आपको होल्ड करके रखना है और आपके सामने पावर ऑफ का एक ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स। तो आईफोन में आपको दो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, एक फ्लैश लाइट का, दूसरा कैमरा का। तो ये पहले बिल्कुल ही चेंज नहीं होता था, लेकिन iOS 18 अपडेट के बाद आप लोग इसे आराम से चेंज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे कोई भी ऐप रख सकते हो या जो आपको शॉर्टकट रखना है आप लोग वो रख सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली लॉक स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करना है, नीचे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देन लॉक स्क्रीन में जाना है और अब आपको नीचे यहाँ पे माइनस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो पहले जो आइकन है उसको हटा दो एंड अब आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है ओपन ऐप का, अगर आप लोग इसे सेलेक्ट करते हो देन यहाँ से आपको ऐप को चूज करना है आप लोग किस ऐप को ओपन करना चाहते हो। मैं यहाँ से यूट्यूब सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब आप लोग देख सकते हो मेरे होम स्क्रीन पर यूट्यूब आ चुका है। मैं जैसे ही इसे टैप एंड होल्ड करता हूँ यूट्यूब ऐप ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप लोग किस चीज़ को होम पेज पे रख सकते हो। नेक्स्ट है ऐप्स को लॉक और हाइड करने का। तो आपको जिस भी ऐप को लॉक या हाइड करना है आपको सिंपली ऐप को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वायर फेस आईडी। उसके बाद आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आएंगे, रिक्वायर फेस आईडी और एक हाइड का। तो अगर आप लोग रिक्वायर फेस आईडी करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉक होगा, लेकिन अगर आप लोग हाइड करना चाहते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है एंड यहाँ पे आपको फिर से एक कन्फर्मेशन आएगा क्या इसे आप लोग हाइड करना चाहते हो। अगर आप लोग इसे हाइड करोगे तो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो सब भी बंद हो जाएगा। नीचे आपको हाइड ऐप पे फिर से क्लिक करना है एंड ये ऐप अब आपका हाइड हो चुका है। अब इसे एक्सेस करने के लिए आपको जाना है ऐप लाइब्रेरी में सबसे नीचे और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड आपने जितने भी ऐप को हाइड करके रखा है वो सारे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाइड फोटो का। तो अगर आपको फोटोज़ को हाइड करना है आपको सिंपली सारे फोटोज़ को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके सामने हाइड फोटो का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप लोग हाइड कर सकते हो और इसे एक्सेस करने के लिए आपको फोटोज ऐप में जाना है सबसे नीचे एंड यहाँ यूटिलिटीज़ में आपको एक हिडन फोल्डर देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको फेस आईडी देना होगा, देन आप लोग इसे ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको आईफोन में जो भी कॉल आएगा, व्हाट्सएप कॉल, टेलीग्राम कॉल, स्नैपचैट कॉल, इंस्टाग्राम कॉल, वो सारे कॉल्स आपको इस फोन ऐप में ही दिखेगा और यहाँ से आप कॉल बैक भी कर सकते हो, एक सिंगल क्लिक करोगे और उस ऐप से कॉल लग जाएगा। आईफोन में अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, कोई भी मूवी देखना है जो कि आप लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड किया है जो कि 2-3 GB का है और फिर उसे आपको प्ले करना है, वो प्ले नहीं होगा। तो इसे प्ले करने के लिए आपको VLC ऐप को डाउनलोड करना होगा, तो इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो और फिर अब आप लोग फाइल्स को ओपन करोगे और फिर जिस वीडियो को प्ले करना है आपको इस वीडियो को ओपन करना है, शेयर पे क्लिक करना है, देन VLC सेलेक्ट करना है एंड ये वीडियो चलने लगेगा। अगर आपको कोई भी QR कोड स्कैन करना है आपको कैमरा को ओपन करना है एंड QR स्कैन करो, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग यहाँ से क्लिक करके उस लिंक को ओपन कर सकते हो। और अगर आपके गैलरी में कोई QR कोड का स्क्रीनशॉट है तो उसे ओपन करो, बस उस पर होल्ड करो एंड आपके सामने वो लिंक आ जाएगा, आप लोग इसे ओपन कर सकते हो। तो अगर कोई पेमेंट का QR है उस पर लॉन्ग प्रेस करो, यहाँ पे सारे ऐप शो हो जाएंगे जिससे भी आप लोग पेमेंट को सेंड करना चाहते हो। नेक्स्ट आईफोन का एक कमाल फीचर है, अगर आपको कोई भी फोटो किसी को सेंड करना है आपको सिंपली उस फोटो पे होल्ड करना है, यहाँ से होम में जाना है एंड जिस भी ऐप से आप लोग सेंड करना चाहते हो उस ऐप को ओपन करो एंड उसके चैट को ओपन करो एंड यहाँ से आप लोग उस फोटो को ड्रॉप कर सकते हो एंड ये सामने वाले को सेंड हो जाएगा। और ऐसे ही करके आप लोग मल्टीपल फोटोज को भी एक साथ सेंड कर सकते हो। आपको सारे फोटोज को सिलेक्ट करना है एंड उस ऐप को ओपन करना है एंड यहाँ पे उसके चैट में आप लोग इन फोटोज को ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट एक छोटा सा व्हाट्सएप ट्रिक है, अगर आपको किसी ने मैसेज सेंड किया है आप लोग उसके नेम पे होल्ड करते हो तो आपको सारे मैसेज दिख जाएंगे और यहाँ से मैसेज अभी भी अनरीड रहेगा, सामने वाले को ब्लू टिक भी नहीं जाएगा। और यहाँ से अगर स्वाइप लेफ्ट करते हो तो आपके सामने मोर का ऑप्शन आता है एंड स्वाइप राइट करते हो तो पिन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मोर में आपको बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं और मैसेज ऐप में भी अगर आप लोग स्वाइप लेफ्ट करते हो तो आपके सामने म्यूट और डिलीट का ऑप्शन आता है। तो आईफोन में
कुछ हिडन गेस्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो अगर आपको दो ऐप के बीच में स्विच करना है, आपको सिंपली होम बटन को स्वाइप करना है एंड आप लोग दूसरे ऐप में पहुंच जाओगे। एंड दूसरा गेस्टर, अगर मैंने यहां से कुछ स्वाइप किया और मुझे अंडू करना है, सिंपली मुझे 3 फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करना है एंड आप लोग देख सकते हो अंडू हो जाएगा। एंड अगर मुझे इसे रीडू करना है तो मुझे 3 फिंगर से स्वाइप राइट करना है एंड रीडू भी हो जाएगा। और इसका यूज आप लोग गैलरी में भी कर सकते हो। अगर कुछ डिलीट हो गया गलती से, आप लोग सिंपली इस 3 फिंगर गेस्टर का यूज कर सकते हो एंड सब कुछ वापस आ जाएगा। सो यू कैन सिंपली यूज योर 3 फिंगर फॉर अंडू एंड रीडू। अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आप लोग अपने डबल फिंगर से स्वाइप करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये आपके मैसेजेस में काम करता है, नोट्स में काम करता है, रिमाइंडर में काम करता है, जहाँ पे भी कुछ भी सिलेक्ट करने का चीज़ है आप लोग इस गेस्चर का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फाइल्स में कुछ डिलीट करना है तो आपको स्वाइप लेफ्ट करना है एंड यहाँ से आप लोग कुछ भी डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है, अगर आप लोग कुछ ऐप को मूव करना चाहते हो तो आपको एक एक ऐप को सिलेक्ट करके करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐप को सिलेक्ट एंड होल्ड करना है, देन आप लोग टैप करके बाकी सारे ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड सारे ऐप्स को एक साथ मूव कर सकते हो। और ये गेस्चर फाइल्स और फोटो में भी काम करता है, तो आपको सिंपली एक आइटम को सिलेक्ट करना है, देन आप लोग टैप करके बाकी सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और ये आईफोन का सबसे बेस्ट फीचर है, आपको अगर कुछ भी सर्च करना हो आपको सिंपली होम में स्वाइप डाउन करना है एंड आपके सामने एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ समय रहना, और यहाँ पे मेरे सामने समय रहना से रिलेटेड सारे डिटेल्स आ चुके हैं। चाहे उसका यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम पेज हो, मैं एक सिंगल क्लिक में उसके यूट्यूब चैनल पे जा सकता हूँ एंड एक सिंगल क्लिक में उसके इंस्टाग्राम पेज पे जा सकता हूँ। तो जस्ट इमेजिन, आपको इंस्टाग्राम ओपन करके सर्च नहीं करना पड़ा, बल्कि आप लोग होम पेज से ही समय रहना के इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच गए। और ये बहुत ही काम का चीज है। अगर आपको कोई भी फाइल सर्च करना है या आप लोग अपना नाम सर्च करते हो तो आपके नेम से रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे, या आपको ये ड्राइव में सर्च करना है, मेल में सर्च करना है, आप एक सिंगल क्लिक करोगे और ये कीवर्ड से ड्राइव में जितने भी फाइल्स होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट है आईफोन का कीबोर्ड। अगर आपको आईफोन का कीबोर्ड नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें ना तो सजेशन है और ना तो थीम का उतना ऑप्शन है, तो आप लोग स्विफ्ट कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। बिल्कुल ही फ्री ऐप है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स देखने को मिल जाते हैं, इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो जाके आप लोग स्विफ्ट कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत ही काम का फीचर, ब्लॉक एड्स का। तो आईफोन में बहुत सारे ऐप्स में आपको फालतू के बहुत सारे एड्स देखने को मिलेंगे, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो एड्स को कैसे ब्लॉक करें तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो और मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। एंड नेक्स्ट फीचर जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा, तो मान लेते हैं आपने अपने फोन को साइलेंट करके रखा है, तो जितने भी कॉल्स आएंगे और मैसेजेस आएंगे कोई भी वाइब्रेशन और कोई भी रिंगटोन नहीं बजेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है, इमरजेंसी बाईपास का। तो अगर आप लोग इसे किसी भी कॉन्टेक्ट के लिए ऑन कर देते हो तो आपका फोन साइलेंट में रहे या डू नॉट डिस्टर्ब में हो, इनका कॉल कभी भी साइलेंट नहीं होगा। अब चलते हैं कैमरा में। अगर मैं इस कैप्चर बटन को स्लाइड लेफ्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मैं ब्रश शॉट ले सकता हूँ, मतलब कि एक साथ में बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे स्लाइड राइट करता हूँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे अगर मैं वॉल्यूम अप बटन को भी होल्ड करता हूँ तो मैं शटर शॉट ले सकता हूँ, और अगर मैं वॉल्यूम डाउन बटन को होल्ड करता हूँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं फोटोज के सर्च में जाता हूँ तो मैं यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, सनसेट, सनराइज, बाइक राइड, आई कैन सर्च एनीथिंग। आप लोग यहाँ से कोई इमोशन भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हैप्पी एंड यहाँ पे जितने भी वीडियोज या फोटोज में हैप्पी फेसेस है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। साथ ही यहाँ से आप लोग कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हो और जितने भी फोटोज में ये वर्ड होगा कहीं पे भी स्क्रीनशॉट या कोई भी टेक्स्ट में, वो सारे फोटोज आपके सामने आ जाएंगे। इससे भी तगड़ा, आप लोग कोई भी साउंड भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से लाभ सर्च किया और आप लोग यहाँ पे वॉइस का आइकन देख सकते हो, मुझे इस पर क्लिक करना है और मेरे सामने वो सारे वीडियो आ चुके हैं जिसमें भी थोड़ा बहुत लाफ है। नेक्स्ट मैं क्लैप सर्च कर रहा हूँ एंड मेरे सामने वीडियो आ चुका है जिसमें कि क्लैप साउंड यूज हुआ है। साथ ही आप लोग कोई भी लोकेशन, सिटी या प्लेसेस को भी सर्च कर सकते हो। सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोज के लिए।